ओके तो भाई, जब से रोमन रेंस ने रेसलमेनिया 39 के अंदर कोडी रोड्स को डिफीट किया, सारे लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा है भाई, अब रोमन रेंस को कौन डिफीट करने वाला, रोमन रेंस को कौन डिथ्रोन करने वाला है। तो भाई यही सब सारा चीज जानने वाला आज की इस वीडियो के अंदर, आखिर वो कौन सा रेसलर हो जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन करेगा और रोमन रेंस कब एक्चुअली अपना चैंपियंस बेल्ट हारने वाला। भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आएगा तो भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेगा, हर रोज बहुत कमाल का वीडियो देखने को मिलता है। जिन लोगों को पर्सनली चैट में बात करना भाई, सारे लोग इंस्टाग्राम को पर आ सकते हैं। ओके तो भाई एक्चुअली सारा लोगों ने इस बात को मान लिया था कि अब रोमन रेंस डिथ्रोन होने वाला, फाइनली इस बार का रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स उनको रेसलमेनिया के अंदर हराने वाला, और अब रोमन रेंस का सारा चीज खत्म हो जाने वाला, ब्लड लाइन वगैरह सारा चीज टूट जाने वाला, रोमन रेंस ऑफ जाने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई से काफी लंबे टाइम तक। भाई रोमन रेंस ने शॉकिंगली रेसलमेनिया 39 के अंदर कोडी रोड्स को भी हरा दिया और खुद को प्रूफ कर दिया आखिर क्यों है ट्राइबल चीफ। भाई हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक ऊपर, आखिर रोमन रेंस को कौन हराने वाला, रोमन रेंस आखिर अपना चैंपियंस बेल्ट हारने कब वाले। भाई देखो आई थिंक आप लोग सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे क्योंकि रेसलमेनिया 40 तक रोमन रेंस को एक्चुअली कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हराने नहीं वाला है। यहां करंट जो रिपोर्ट आया उसके अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 40 को भी रोमन रेंस एक्चुअली मेन इवेंट करने वाला, वहां भी अपना चैंपियंस बेल्ट दांव पर लगाने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का इकलौते ऐसे रेसलर बनने वाला जो कि लगातार 4 रेसलमेनिया के अंदर लगातार रेगुलर अपना चैंपियंस बेल्ट डिफेंड किया। पर एग्जैक्टली अगर इसके ऊपर अगर मेरा आप राय जानना चाहते हो तो भाई मेरे ख्याल से रोमन रेंस के पास से एक चैंपियंस बेल्ट शायद से जा सकता, पर हां दोनों चैंपियंस बेल्ट रोमन रेंस के साथ में नहीं जा सकता रेसलमेनिया 39 तक। वैसे रोमन रेंस का आगे का स्टोरी लाइन क्या चलने वाला, आई थिंक सारे लोग को आइडिया लग गया होगा रोमन रेंस का स्टोरी लाइन आगे ब्लड लाइन का ही चलने वाला। ऑलरेडी मैंने आपको दो वीडियो के अंदर इस बात को बताया कि अभी उसोस के साथ अभी अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है रोमन रेंस का, अभी डब्ल्यू वाले पूरा अच्छा सा उसोस का स्टोरी लाइन दिखाने वाले। खुद याद करो जब सैमी जॉन को डब्ल्यू वाले ने अपना ब्लड लाइन से बाहर की थी तो आई थिंक मैं गलत नहीं तो 3 से 4 पेपर व्यू के अंदर डब्ल्यू वाले इनका पूरा स्टोरी लाइन चलवाया, और साथ ही साथ डब्ल्यू वालों को यह बात बहुत अच्छे से पता चल चुका कि भाई अगर हमको टिकट अगर सेल करवाना तो ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन अभी और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना होगा। तो जिस तरह से पॉल हेमन रोमन रेंस दोनों मिलकर इग्नोर कर रहे हैं पर जेउसो जिमुसो को आगे आपको देखने को मिलेगा, इन दोनों का स्टोरी लाइन बहुत बेहतरीन स्टोरी लाइन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं रोमन रेंस के रास्ता में इस बीच बहुत सारे रेसलर आने वाले, जैसे रैंडी ऑर्टन का नाम आ रहा है और भी बहुत सारे रेसलर एक्चुअली रोमन रेंस के रास्ते में आएंगे, सारा रेसलर एक्चुअली रोमन रेंस से हारने वाले। एग्जैक्टली रोमन रेंस को हराने कौन वाला अगर आप लोग ये जानना चाहते हो तो भाई रिसेंट टाइम में सिर्फ दो ही रेसलर का नाम निकलकर सामने आया जो कि रोमन रेंस को हराने वाला है, साथ ही साथ जो कि रोमन रेंस के साथ प्रोबेबली रेसलमेनिया 39 के अंदर मेन इवेंट भी कर सकता है। तो सबसे पहला जो रेसलर निकलकर सामने वो हमारे कोडी रोड्स है जिनका सबसे ज्यादा रूमर बताया जा रहा है कोडी रोड्स रोमन रेंस के साथ फिर से फेस करने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर। इसके पीछे का पॉसिबल स्टोरी ये होने वाला कि सबसे पहले कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर का हमें बहुत लंबा एक रिवाइवल देखने को मिलेगा जहां कोडी रोड्स को डब्ल्यू वाले काफी अच्छा पुश करने वाले, मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि एक बार ब्रॉक लेसनर विन करेंगे और दूसरा बार कोडी रोड्स विन करेंगे क्योंकि भाई कोडी रोड्स मतलब डब्ल्यू लीग एक नॉर्मल रेसलर में से एक नहीं है। कोडी रोड्स को डब्ल्यू वालों ने इतना अच्छा इसलिए बिल्ट किया मतलब फ्यूचर में जाकर रोमन रेंस को डिथ्रोन कर पाए इसलिए डब्ल्यू वाले इतना अच्छा बिल्ट करे यहाँ पर कोडी रोड्स, और शायद डब्ल्यू वालों को अभी बेटर टाइम नहीं लगा हुआ रोमन रेंस के हाथ से चैंपियनशिप लेके कोडी रोड्स के हाथ में देने के लिए, इसलिए डब्ल्यू वाले कोडी रोड्स को रेसलमेनिया के अंदर हरवा दिया। आप लोग टेंशन मतलब ऑडियंस फिर से रोमन रेंस को बुक करने वाले, रोमन रेंस का पूरा स्टोरी लाइन उनके ब्लड लाइन के साथ अभी अनफिनिश्ड है और आपको फ्यूचर के अंदर कोडी रोड्स फिर से उसी तरह से स्टैंड करेंगे, उसके बाद रोमन रेंस के पास जाएंगे चैंपियंस बेल्ट के लिए मौका मिलेगा उनको और उसका चैंपियंस बेल्ट वो जीतेंगे भी रोमन रेंस को हरा। वैसे अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो भाई अभी से रोमन रेंस को एक्चुअली बू मिलना शुरू हो चुका है, पर रोमन रेंस को बहुत ज्यादा जब बू मिलेगा तब रोमन रेंस के हाथ से चैंपियंस बेल्ट एक्चुअली में जाएगा। नेक्स्ट हमारे नंबर 2 पर जो लिस्ट के जो रेसलर हैं जो कि एक्चुअली रोमन रेंस के हाथ से चैंपियंस बेल्ट लेने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट बताया जा रहा है वो हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस डब्ल्यू लीग का एक ऐसा बंदा जो कि हर चीज में रोमन रेंस से बेटर, आई थिंक मैंने एक वीडियो के अंदर इसको एक्सप्लेन भी किया। सेथ रॉलिंस शील्ड का एक बहुत पुराना मेंबर, इसलिए रोमन रेंस के साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता है। शील्ड को एक्चुअली सबसे पहले सेथ रॉलिंस ने ही तोड़ा था, इसलिए रोमन रेंस के साथ बहुत पुराना उनका रिश्ता। सेकंड, सेथ रॉलिंस ने हमेशा खुद को प्रूफ किया कि रोमन रेंस से बेटर रेसलर, उन्होंने 5-स्टार रेटिंग वाला मैचेस दिए, उन्होंने बहुत सारे डब्ल्यू के अंदर मूवमेंट दिया, वो एक्चुअली रोमन रेंस से बेटर प्रोमो भी कट करता है। अभी करंट टाइम का सबसे ज्यादा डिजर्विंग रेसलर हमारे सेथ रॉलिंस, मुझे पर्सनली कब से लग रहा है कि भाई सेथ रॉलिंस ही रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता तो इनका पूरे 10 साल का अनफिनिश्ड बिजनेस एक्चुअली बाकी है, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का पूरे 10 साल का बिजनेस बाकी है अनफिनिश्ड। अगर आपको नहीं पता तो सेथ रॉलिंस वो रेसलर जो कि लगातार 10 बार रोमन रेंस को हरा चुका है, रोमन रेंस आई थिंक सिर्फ एक बार यहाँ पर सेथ रॉलिंस को हराया। और करेंट जो रिपोर्ट निकल कर सामने उसके अकॉर्डिंग हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का हमें मेन इवेंट देखने को मिला जो कि खुद में एक शील्ड ब्रदर है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, रोमन रेंस का रिवैलरी ब्रॉक लेसनर के अलावा किसी और के साथ अगर मैं एंजॉय सबसे ज्यादा किया हूं तो हमारे सेथ रॉलिंस। साथ ही साथ मैं आपको एक और हिंट देना चाहता हूं, इस बार का मनी इन द बैंक एक्चुअली जीतने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट करंट टाइम में बताया जा रहा है हमारे सेथ रॉलिंस। तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से सेथ रॉलिंस आज के 7 या 8 साल पहले इतिहास रचे थे यहाँ पर रोमन रेंस के ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन करके, फिर से शायद कर सकते हैं कैसे। वैसे मैं आपको बता दूं अभी करंट टाइम में सिर्फ 2 ही रेसलर करंट टाइम में फेवरेट बताया जा रहा है रोमन रेंस को रेसलमेनिया के अंदर चैलेंज करने के लिए, सबसे पहले हमारे सेथ रॉलिंस, सेकंड हमारे कोडी रोड्स। वैसे अगर कुछ और नाम अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस लिस्ट के अंदर गुंथर का भी नाम इंक्लूडेड जो कि नंबर 3 पे है, मुझे नहीं लगता अभी रोमन रेंस गुंथर का मैच शायद होने वाला है। वैसे आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा अब रोमन रेंस के साथ फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला, आप किसको ओपोनेंट एज ए रोमन रेंस को देखना चाहते हो, कोडी रोड्स या फिर सेथ रॉलिंस, सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या लगता है अगर रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस को कौन हराने वाला, सेथ रॉलिंस या फिर कोडी रोड्स, सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सारे के सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि भाई हम लोग हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, तो भाई सारे लोग सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।